एक ट्राइंगल है, ठीक है, ए बी और सी। ए से एक ऑल्टीट्यूड ड्रॉ करो, किसको, बी सी पर एक ऑल्टीट्यूड ड्रॉ करो, ठीक है। तो दैट, इसको हम बोल देते हैं डी, इस पॉइंट को हम बोल देते हैं ई, और इस पॉइंट को बोल देते हैं एफ, ठीक है। तो डी एफ जो ट्राइंगल बनेगा, डी एफ ट्राइंगल जो बनेगा, जो किससे बनेगा, इसके ऑल्टीट्यूड को ज्वाइन करके, इसके ऑल्टीट्यूड को ज्वाइन करके, और इसके ऑल्टीट्यूड को ज्वाइन करके जो ट्राइंगल बनेगा, दैट इज कॉल्ड एज अ पेडल ट्राइंगल, दैट इज कॉल्ड एज अ पेडल ट्राइंगल, ठीक है। ये बात समझ आ गई, सारे नोट करते जाना ढंग से। वॉट इज अ पेडल ट्राइंगल? द ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय ज्वाइनिंग द ऑल्टीट्यूड ऑल्टीट्यूड पॉइंट, ठीक है, जो ट्राइंगल बनता है दैट इज कॉल्ड एज पेडल ट्राइंगल। कोई डाउट है बच्चे पेडल ट्राइंगल के मतलब में, बताओ? नो सर। चलो अब एक बार ढंग से सुनते जाना, क्योंकि ये जो चीजें हैं ये ज्यादा ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगी आगे आगे। ए बी और सी, देखो मैंने दोबारा से बोला कि हमने ये वाला जो पॉइंट है डी, और ये ए डी बी ई और सी एफ, तो ये जो है वो ट्राइंगल जो बनेगा, अगर मैंने ग्रीन लाइन से जो ट्राइंगल बनाया है दैट इज कॉल्ड एज अ पेडल ट्राइंगल, डी एफ इज कॉल्ड एज अ पेडल ट्राइंगल। अब इसकी थ्योरी देखते हैं, क्या क्या निकालना है हमें वो चीज एक बार ढंग से समझेंगे। सबसे पहले इन रेडियस, ठीक है, इन रेडियस। फिर दूसरा निकालना है सर्कम रेडियस, रेडियस। थर्ड चीज एरिया ऑफ पेडल ट्राइंगल, ठीक है। ये सारी चीजें हमें निकालनी है, इन रेडियस, सर्कम रेडियस और एरिया ऑफ पेडल ट्राइंगल, ये सारी चीजें देखते हैं। और ये क्या होता है, ए फोर्थ चीज साइड और एंगल ऑफ पेडल ट्राइंगल, एंगल ऑफ पेडल ट्राइंगल। ये पांच चीजें हैं जो हमारा मेन एम है इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले एंगल निकालेंगे, फिर साइड निकालेंगे, फिर हम एरिया निकालेंगे पेडल ट्राइंगल का, फिर सर्कम रेडियस, फिर इन रेडियस, ठीक है। तो अब ये देखते हैं कि इसमें पेडल ट्राइंगल में होता क्या है। अच्छा, आप मेरे साथ एक जना डिस्कस करेगा, 10th वाला बच्चा कोई डिस्कस करेगा। अर्नव बच्चे आप डिस्कस करोगे? ओके सर। चलो ना अर्नव बच्चे, अब मैं एक ब्लैक पेन से मार्क कर रहा हूँ, ये जो एंगल है वो कितना है, ये जो मैंने मार्क किया अभी एंगल डी, सर 90। ये एंगल कितना है 90, और ये वाला एंगल कितना है सर, ये भी 90 होगा, 90 होगा, दोनों 90 है। अब मेरे को एक चीज बताओ, अब मैं इसको सेंटर को ओ से नोट कर दिया, सेंटर को किससे नोट किया, ओ से। अच्छा, ओ एफ बी डी, मैं किसके बारे में बोल रहा हूँ, ओ एफ बी डी, उसको मैं येलो से मार्क करके दिखा रहा हूं, ओ एफ बी डी, ठीक है। यस सर। अच्छा, ये मैं बोल रहा हूँ इट्स अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, यस और नो? सर हाँ सर, साइक्लिक होगा। कैसे साइक्लिक होगा सर? जो एंगल बी डी ओ है वो लीनियर पेयर से 90 हो जाएगा, और एंगल बी एफ ओ 90 गिवन है, तो उसका क्या कहते हैं, अपोजिट एंगल्स का सम 180 है, 180 हो गया। तो एंगल बी प्लस एंगल ओ बी कितना आएगा, 180, तो दैट मींस इट्स अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, हाँ कि नहीं? यस सर। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ, अगर मैं एक बारी ठीक बोल रहा हूँ, तो यहाँ पे इससे एक सर्कल पास कर सकता है ऐसे? यस सर, कर सकते हैं, यही हुआ ना मतलब? यस। ठीक है, अच्छा अब इससे मेरे को एक चीज बताओ, व्हाट इज, मैंने ये बोला, ये बताओ मुझे, ये अगर मैं ओ ओ एफ को बेस मान लूं, ठीक है, ओ एफ को मैंने क्या माना, बेस माना, तो ये वाला एंगल, ठीक है, और ये वाला एंगल जो मैंने मार्क किया, दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे कि नहीं होंगे सर? कौन सा, ये एंगल वन और ये एंगल टू? यस सर, हो जाएंगे। क्यों बराबर होंगे सर? ये क्योंकि वो इक्वल एंगल दर सब्टेंडेड बाय इक्वल कॉस
कॉर्ड सबटेंड, एक कॉर्ड से किसी भी पॉइंट पे सर्कल पे इक्वल एंगल सबटेंड होते हैं। अच्छा अब मेरे को अर्नव ये बताओ, ए बी डी ट्राइंगल ले लो, ए बी डी ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल, ए बी डी, एंगल डी कितना है सर, एंगल डी 90, ठीक है। अच्छा नहीं सॉरी, ए बी डी नहीं, ए बी ई ट्राइंगल, ए बी ई, ठीक है। एंगल ई कितना है सर, 90 डिग्री। चलो मैंने यहां पे लिखा एंगल ई प्लस एंगल ए प्लस एंगल ई बी ए, सही है, इस ट्राइंगल के लिए इज इक्वल टू 180 होगा। यस सर होगा। तो एंगल ई बी ए जो होगा दैट विल बी इक्वल टू 90 माइनस ए, समझ आ गई ये बात, समझ आ गई। यस सर। तो ये वाला जो एंगल होगा व्हाट इज दिस, 90 माइनस ए हो गया, ये बात समझ आ गई। यस सर हो गया। इसमें कोई डाउट है, किसी भी बच्चे को कोई डाउट है, किसी भी बच्चे को कोई डाउट? नो सर। बोलो तो फिर बता दूं, मेरी आवाज कट गई थी। मेरी आवाज कट गई थी? नहीं मेरे नेटवर्क में दिक्कत आ गई थी ना। अच्छा तो अच्छा देखो बच्चे, कौन बोल रहा था? मुकुल। मुकुल बच्चे आप ये बताओ, मुकुल बच्चे ये समझ आ गया, ओ बी एफ और ओ डी एफ एंगल सेम होगा? यस सर ये आ गया, ये आ गया। अब मैं एंगल बी निकालने के लिए बोल रहा हूँ, एंगल बी, एंगल बी, एंगल बी निकालने के लिए मैंने ट्राइंगल ले लिया, कौन सा, ए बी ई, ए बी ई, ठीक है। ए बी ई ट्राइंगल में अब जल्दी से बताओ, ए बी ई ट्राइंगल में तो एंगल ई जो है वो 90 है, यस सर, एंगल ए प्लस एंगल ई बी ए इक्वल्स टू 180 होगा, यस सर, एंगल ई बी ए जो आ गया 90 माइनस ए आ गया क्योंकि ये 90 है, हाँ सर आ गया। तो मैंने 90 माइनस ए जो लिखा वो बात समझ आ गई, ठीक है सर, ठीक है। अच्छा अब मेरे को ये बताओ, अब मैं जी कहता है ई ओ एफ ई ओ डी सी ले रहा हूँ, ई ओ डी सी, ये देख लो क्या लिया मैंने, यस सर, ये जो है साइक्लिक है कि नहीं है, यस सर, साइक्लिक क्यों है, समझ आ रही है बात, यस सर, यस सर, ठीक है। अब अगर मैंने बोला ओ ई, ये जो ओ ई सबटेंड कर रहा है इस पॉइंट पे एंगल, इस पॉइंट पे जो एंगल सबटेंड कर रहा है और इस पॉइंट पे एंगल सबटेंड कर रहा है, दोनों क्या होंगे सर, इक्वल होंगे, इक्वल होंगे। व्हाट इज दिस एंगल, देखें एक बारी, ये वाला एंगल कितना होगा, ये एंगल कितना ए, ये कितना 90, ये एंगल 90 माइनस ए होगा, 90 माइनस ए, तो ये वाला एंगल भी जो छोटा वाला दूसरा वाला पार्ट वो भी 90 माइनस ए। इतनी बात समझ आ गई सबको? यस सर। बच्चे किसी को भी डाउट हो, क्योंकि ये चीजें बहुत छोटी है, समझ नहीं आया। अच्छा अभी वाला नहीं समझ आया, मैं दोबारा डायग्राम बनाता हूँ, दोबारा से क्लियर करता हूँ, ठीक है, दोबारा से एक और बार ही करेंगे क्योंकि ये टॉपिक थोड़ा सा मुश्किल है, बट ट्राई करेंगे, समझेंगे, कोशिश। मैं बड़ा सा एक डायग्राम ले रहा हूं, मैंने लिया था ए बी सी और तीन परपेंडिकुलर ड्रॉप किए थे, डी ई एफ, सही है। अब मैंने ये बोला था ये एंगल जो आया मेरा, दिस एंगल वॉज 90 माइनस ए, इतनी बात सबको समझ आ गई थी, गर्व कोई डाउट है 90 माइनस ए में, इतनी बात समझ आ गई थी। अब गर्व आप ही बोलो, गर्व, यस सर, गर्व एक बारी आप सोच के देखो, एक मिनट बच्चे, सर ये तो समझ में आ गया था, ये वाला ये देखो सर आवाज नहीं आ रही आपकी, गर्व, गर्व आवाज आ रही है, ये सर आवाज आ रही है, गर्व मैंने ये वाला एंगल बोला, ये वाला एंगल कितना होगा, ठीक है, ये तो समझ आ गया था, ये 90 है, ये 90 है, यस सर,
और ये वाला एंगल और ये वाला जो एंगल मार्क किया है दोनों सेम होंगे, यस सर। हाँ कि नहीं? अब ये एंगल ए है, yes, ये एंगल 90 है, तो ये एंगल 90 माइनस ए होगा, यस सर। तो ये भी एंगल 90 माइनस ए हो गया। बात yes, समझ आ गई? ये टोटल एंगल डी जो हो गया वो जो पहले yes, एंगल का वो 180 माइनस 2 ए हो गया, हाँ कि नहीं? यस सर। ऐसी मैं yes, अगर डी yes, एंगल 180 माइनस 2 ए है, ई एंगल कितना होगा बताओगे डायरेक्ट क्या होगा? ई एंगल क्या होगा सर? ये भी इतना ही होएगा? नहीं, ये एंगल देखो डी अपोजिट किसके है? 180 माइनस 2, 180 माइनस 2 बी, क्योंकि अपोजिट टू बी है। ऐसी एफ एंगल कितना होगा? 180 माइनस 2 सी। वेरी गुड। अब ये एंगल समझ आ गए? पेडल ट्रायंगल के एंगल्स जो होते हैं वो 180 माइनस 2 ए, 180 माइनस 2 बी और 180 माइनस 2 सी होते हैं। ये अपोजिट टू ए होगा, अपोजिट टू ए, अपोजिट ऑफ ए, ये बी के अपोजिट और ये सी के अपोजिट। इतनी बात गर्व, कोई डाउट है? नो सर। अच्छा, अब गर्व एक चीज पूछ रहा हूं मैं। अच्छा, एबीसी ट्रायंगल के लिए ये सेंटर वाला जो पॉइंट ओ है, ठीक है, सेंटर वाला पॉइंट जो ओ है, ठीक है, यस सर, एबीसी ट्रायंगल के लिए ओ क्या है? सर्कम सेंटर, ऑर्थो सेंटर। ऑल्टीट्यूड से जो ट्रायंगल का सेंटर आता है दैट इज ऑर्थो सेंटर। ओ इज कॉल्ड एज ऑर्थो सेंटर, ठीक है। ऑर्थो सेंटर जो क्या होता है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ऑल्टीट्यूड्स, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ऑल्टीट्यूड इज कॉल्ड एज ऑर्थो सेंटर। मैं बहुत धीरे करा रहा हूँ, पूरा समझ आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी ज्यादा। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ऑल्टीट्यूड। अब मेरे को क्या होता है गर्व बच्चे? यस सर। डीईएफ ट्राइंगल के लिए, डीईएफ ट्राइंगल के लिए ये जो ओ पॉइंट है वो क्या है? डी ओ जो है, डी का क्या है? नहीं, डी ओ जो है एंगल बाइसेक्टर है, एंगल बाइसेक्टर है ना, एंगल बाइसेक्टर का इंटरसेक्शन पॉइंट है ना ओ, तो दैट इज कॉल्ड एज इन सेंटर, दैट इज कॉल्ड एज इन सेंटर, ठीक है। तो हमने क्या बोला, ये इन सेंटर, यानी दो चीजें सेम हो गई, ऑर्थो सेंटर ऑफ किसका, ऑर्थो सेंटर ऑफ ट्राइंगल, ट्राइंगल एबीसी इज इक्वल टू इन सेंटर ऑफ, सेंटर ऑफ ट्राइंगल ईडीईएफ, पेडल ट्राइंगल, नहीं पेडल ट्राइंगल बोल देते हैं, ठीक है कि नहीं? ओके सर। एक ट्राइंगल का ऑर्थो सेंटर और उसके उसका इन सेंटर पेडल ट्राइंगल का, दोनों क्या होते हैं? सेम होते हैं। इतनी बात समझ आ गई? सेम, बिल्कुल बात समझ आ गई है। ये पहली प्रॉपर्टी है जो आपको बिल्कुल बिल्कुल अच्छे से याद रखनी है, ठीक है। अब दूसरी बात, ओके सर, अब दूसरी चीज देखते हैं। अब मेरे को बताएगा कोई विधि, विधि, यस सर, विधि आप बोलना बच्चे। विधि देखो, ट्रायंगल में बड़ा सा दोबारा बना रहा हूं, ए बी सी, ये हमारा क्या बना था, डी ई एफ, ये और ये, सॉरी ये चीज, ठीक है। इतनी बात समझ आ गई? अब मेरे को निकालनी है, पहले तो मेरे को एंगल तो पता, एंगल डी कितना है, एंगल डी कितना है, जल्दी बताओ विधि। 180 माइनस 2 तीनों में से एक साइड निकाल के बतानी है, वो साइड क्या आएगी। क्वेश्चन समझ आ गया बच्चे? यस सर। चलो अब देखते हैं कैसे निकालेंगे। अच्छा विधि बच्चे, मेरे को ये लेंथ कितनी है ये पता करनी है, किसकी टर्म्स में, ये लेंथ कितनी है ये बताओ, एबीसी की टर्म्स में कितनी है, बी है कि नहीं? यस सर। बी के अपोजिट बी है, ये एंगल कितना है, सी, ठीक है। यस सर। अच्छा आप मेरे को ये बताओ विधि बच्चे कि
ये एंगल 90 डिग्री है, ठीक है? डी सी अपॉन बी इज इक्वल टू कॉस सी, लिख सकता हूं इसे? यस सर। डी सी इज इक्वल टू कितना आ गया? बी कॉस। डाउट तो नहीं है बच्चे? नो सर। चलो अब विधि बच्चे, ये एंगल जो है, ये वाला एंगल मेरे को बता सकते हो कितना है? और ये वाला एंगल, ये वाला एंगल देखते हैं बस, बताओ ये वाला एंगल कितना है जल्दी से विधि, ये वाला एंगल बताओ। ए। नहीं, 90 माइनस था समथिंग, ई वाले पे जो मार्क किए, 90 माइनस ए की बी, बी बी, तो ये एंगल कितना होगा? बी होगा कि नहीं होगा ये वाला? यस सर, वो मैंने डी के ये एंगल कितना होगा? हाँ, ये वाला एंगल कितना होगा? 90 माइनस ए, ए आ जाएगा, सही है कि नहीं? यस सर। अच्छा, अब डीसी के अपोजिट एंगल कौन सा है? डी ए ट्राइंगल को ले रहे हैं, ईडीसी ट्राइंगल, ईडीसी, डीसी के अपोजिट एंगल कौन सा है? बी, साइन बी। अच्छा अब दूसरा बोलो क्या होता है, डी के अपोजिट एंगल कौन सा है? सी, साइन सी, यही होता है ना साइन फॉर्मूला? यस सर। डी सी की वैल्यू क्या है? बी कॉस सी अपॉन साइन बी इंटू साइन सी इज इक्वल्स टू डी, कोई डाउट तो नहीं बच्चे? बी को क्या लिखते हैं? टू आर साइन बी कॉस सी इंटू साइन सी और नीचे साइन बी, ये और ये कर गया, कट गया आर इंटू टू साइन सी, कॉस सी क्या होता है? आर साइन टू सी, सही है? या हम क्या लिखते हैं, या हम क्या लिखते हैं, टू आर साइन सी को सी लिखते हैं, सी कॉस सी, कोई डाउट है बच्चे? नो सर। ये दोनों लेंथ हो सकती है किसकी? डी ई, डी ई की लेंथ कितनी है? समझ आ गया, आर साइन टू सी है, डी के सामने एंगल कौन सा है? हाँ बोलो बोलो सर, ये और बता दो एंड का स्टेप। अच्छा, ये वाला स्टेप समझ नहीं आया, कोई बात नहीं, अपने आर मल्टीप्लाई बच्चे। अच्छा ये लास्ट में स्टेप बता दूं कि पूरा बताना है सर, जो आपने बी कॉस सी इनटू साइन सी अपॉन, हाँ वो एक मिनट बता रहा हूँ, पहले बोलो अर्नव क्या डाउट है? सर ये बी कॉस सी से आगे एक बार बता दो, बस यहीं से डाउट है सबको। डीसी की वैल्यू समझ आ गई थी अर्नव? यस सर आ गई थी। डीसी की वैल्यू मैंने ऊपर डाल दी ये वैल्यू, ठीक है, और साइन सी मैं ऊपर लेके गया और ये साइन बी नीचे लिखा हुआ, ठीक है? यस सर। आर्यन डाउट है अभी तक? आर्यन, अच्छा बी को हमने फिर लिख दिया फॉर्मूला टू आर साइन बी, टू आर साइन बी कॉस सी इंटू साइन सी, साइन बी से साइन बी मैंने काट दिया, अब टू आर इंटू टू कॉस सी इंटू साइन सी क्या होता है? साइन टू सी, ये बात समझ आ गई? ठीक है सर आ गया। अच्छा अब दूसरी चीज, मैं इसको ऐसे भी लिखता था टू आर साइन सी, टू आर साइन सी क्या होता है? सी, ठीक है, इंटू कॉस सी, ये बात समझ आ गई? ठीक है चलो, अब डीई की वैल्यू क्या होता है? आर्यन, आर्यन, यस यस सर, डीई की वैल्यू किसके सामने है? सी के सामने है, आंसर क्या है? आर साइन टू सी, सही है? अच्छा डीएफ का आंसर क्या आएगा सर? आर साइन टू बी और बी कॉस बी, आर साइन टू बी या बी कॉस बी। अच्छा अब ई एफ का आंसर क्या आएगा सर? आर साइन टू ए और ए कॉस ए, ए कॉस ए, बात समझ आ गई? यस सर। कोई डाउट तो नहीं है? नो सर। चलो ये, अच्छा अब एंगल पता लग गया, साइड पता लग गई, एंगल पता लग गया, साइड पता लग गई, कोई डाउट है इसमें एंगल और साइड में? चलो अब नेक्स्ट देखते हैं, अब हम एक बच्चे से पूछेंगे, नेक्स्ट बताएगा गर्व,
यस सर। गर्व बच्चे पेडल ट्राइंगल में अब तीन प्रॉपर्टीज बनी है अभी तक, अब चौथी चीज है, चौथी चीज निकालनी है हमने एरिया, और फोर्थ चीज हमने नहीं, ये चौथी चीज, पांचवी चीज हमने क्या निकालना है कैपिटल आर, और सिक्स्थ क्या निकालना है स्मॉल आर, ठीक है। आर डैश कर लेते हैं इसको, आर डैश इसको डेल्टा डैश से नोट करते हैं। अच्छा एरिया ऑफ पेडल ट्राइंगल क्या होता है जल्दी बताएगा कोई, फॉर्मूला क्या होता है एरिया ऑफ ट्राइंगल का, गर्व बता सर। रूट ऑफ एस इनटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। नहीं वो नहीं, वो नहीं चाहिए, अभी मैंने जो बताया था बी सी इनटू कॉस हाफ, एक मिनट रुक जा, एक मिनट रुक जा, डी इनटू ईएफ इनटू साइन टू ई, साइन ई सॉरी, ये बात समझ आ गई बच्चे, समझ आई बच्चे, ये होता ना फॉर्मूला हाफ ए बी साइन सी, अगर लेक्चर पढ़े हूं, या हाफ ए सी साइन बी। अच्छा कोई बात नहीं, दो साइड का प्रोडक्ट होता है, दो कॉन्जिक्यूटिव साइड्स का प्रोडक्ट और साइन ऑफ उन दोनों के बीच का एंगल, दो कॉन्जिक्यूटिव साइड्स का प्रोडक्ट और दोनों के बीच का एंगल, ये बात समझ आ गई। यस सर। अब डी की लेंथ कितनी है बता दे, डी ई की लेंथ सर, डी सर सी कॉस सी, आर साइन टू सी लिख देते हैं, वेरी गुड, कोई बात नहीं वो भी ठीक था। और ई एफ की लेंथ क्या होगी, ई एफ की आर साइन, सर आर साइन टू ए। अब ये वाला टोटल एंगल कितना था बताएगा, ई वाला किसके अपोजिट है, बी के अपोजिट, माइनस टू बी, वेरी गुड 180 माइनस टू बी, ठीक है। तो ये कितना आ गया हमारा, अगर देखा जाए डेल्टा डैश आ गया आर स्क्वायर बाय टू साइन टू ए साइन टू बी इंटू साइन टू सी, कोई दिक्कत है इसमें? यस सर। नो सर। समझ आ गई बात, चलो अब हमें yes, निकालना है आर डैश, अब क्या निकालना है हमें आर डैश, आर डैश का मतलब क्या है, सर्कम रेडियस, सर्कम रेडियस, सर्कम रेडियस का कोई फॉर्मूला याद है गर्व? सर एबीसी अपॉन फोर डेल्टा, और क्या याद है, ए अपॉन टू साइन ए याद है? नहीं ये भी तो था ना, या एबीसी अपॉन, कोई बात नहीं, ये फॉर्मूला था ना ए अपॉन साइन ए इक्वल टू बी अपॉन साइन बी इक्वल टू सी अपॉन साइन सी, ये तो याद होगा ना? यस सर। तो ये फॉर्मूला था ना, तो अब इसकी अगर हम प्रॉपर्टी लगाते हैं तो हम बोलते हैं डी एफ डी ई अपॉन साइन टू एफ साइन एफ इज इक्वल्स टू टू आर आर डैश, ये बात समझ आ गई? यस सर। ये बात क्लियर है ना? अब डी की लेंथ कितनी है बताएगा? सर डी की लेंथ कितनी है सर, डी सर आर साइन टू सी, और नीचे क्या है, एफ एंगल कितना है सर, एफ एंगल है 180 माइनस 2 सी, वेरी गुड। अब इज इक्वल्स टू कितना आ गया हमारा 2 आर डैश, तो अब बता मेरे को साइन 180 माइनस 2 सी क्या होता है, 2 आर डैश इज इक्वल्स टू आर ही आ गया ना, साइन 2 सी, आर डैश इक्वल्स टू आर बाय 2, सही है, सही है कि नहीं सर? ये आर डैश और कुछ बता दो। अच्छा डी अपॉन साइन एफ इज इक्वल टू टू आर डैश होगा, ये बात समझ आ गई मुकुल? ये नहीं है, बस आगे का तो आगे, ये वाली नहीं है। अच्छा कोई बात नहीं बच्चे, ये फॉर्मूला होता था ना हमारा ए अपॉन साइन ए इक्वल टू बी अपॉन साइन बी इक्वल टू टू आर के बराबर लिख देता हूँ। ए क्या होती है, साइड ही होती है ना? यस सर। तो एक मैंने इस साइड को लिया, अपोजिट एंगल कौन सा है, साइन सॉरी मैंने ई एफ को डी को लिया ना, डी के अपोजिट साइड कौन सी है, एंगल कौन सा है, एफ, तो साइन एफ इज इक्वल टू टू आर डैश लिखूंगा। यस सर। यस सर। समझ आ गया अब? हाँ। चलो अब एक लास्ट वाला जो आर डैश रह गया, स्मॉल आर डैश, आर डैश, आर डैश का कोई फॉर्मूला बताएगा मुझे, डेल्टा बताओ क्या, कोई बात नहीं। अब मैं एक ये वाला फॉर्मूला लिख रहा हूँ, फोर आर डैश होगा इसमें साइन
डी साइन ई साइन एफ बाय टू, यही होता था ना शायद, बोलो. यस यस यही होगा ना फॉर्मूला आर डैश का. अब आर डैश की वैल्यू जो है वो कितनी है, आर बाय टू है, सही है. अब डी जो एंगल है वो है आपका 180 माइनस 2c, तो 90 माइनस c आया, 90 माइनस b आया इंटू साइन 90 माइनस a आया, तो ये कितना आ गया 2r cos a cos b और cos c. ये बात समझ आ गई, बात समझ आ गई. Yes, तो ये फॉर्मूला होता है स्मॉल आर डैश का इन टर्म्स ऑफ कैपिटल आर, ये फॉर्मूला होता है. अब हमने पांच चीजें की हैं, मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ वो पांचों चीजें, उसके बाद दो क्वेश्चंस करेंगे वो देखते हैं एक बारी. एंगल क्या होता है, हाँ बोलो, हाँ बोलो बोलो सर. हम इसमें आर वन आर टू नहीं, वो नहीं निकालना, वो नहीं निकालना, बस यही चीज है, पांच छह चीज वो निकल सकती है, अगर निकालना चाहो तो निकाल सकते हो, ठीक है. अब मैं पांच चीजें, हाँ बोलो सर. ये कैपिटल आर और एबीसी एंगल गिवन होंगे क्वेश्चंस में? हाँ बच्चे गिवन होगा, ठीक है. अब एक बारी सारी चीजें मैं लिख देता हूँ. साइड्स क्या क्या थी जल्दी बता दो. आर साइन टू ए, आर साइन टू बी और आर साइन टू सी. दूसरी चीज हमारे पास एंगल क्या थे, 180 माइनस 2a, 180 माइनस 2b और 180 माइनस 2c. एक और चीज आई थी ऑर्थो सेंटर ऑफ, ऑर्थो सेंटर किसका, ट्राइंगल का, और इन सेंटर ऑफ ट्राइंगल, इन सेंटर ऑफ पेडल ट्राइंगल, ठीक है. और चौथी चीज क्या थी, डेल्टा क्या आया था, एरिया ऑफ पेडल ट्राइंगल बताएगा कोई? R square by 2 sin 2a sin 2b sin 2c sin 2a sin 2b sin 2c. और उसके बाद ये क्या आया था हमारा सर्कम रेडियस, R by 2. और फिर इन रेडियस क्या आया था, 4r sin d by 2 sin c e by 2 sin f by 2. ये लिखा हुआ, ये लिखा हुआ, कोई डाउट तो नहीं है, सही है. अच्छा अब हम दो क्वेश्चंस इसके ऊपर पेडल ट्रायंगल के ऊपर देखेंगे, कि पेडल ट्रायंगल के ऊपर दो तीन क्वेश्चन असाइनमेंट के हम एक बार ही ट्राई करते हैं, सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, बस दो तीन क्वेश्चन. ये पेडल ट्रायंगल वाला मेरी तरफ से टॉपिक खत्म हो चुका है, और मेरे को लगता है सबको क्लियर हो गया है शायद ढंग से, ठीक है. नेक्स्ट क्लास एक्सेंट्रल ट्रायंगल करेंगे, एक्सेंट्रल ट्रायंगल. ये बच्चे ध्यान रखना स्कूल में नहीं होंगे, और मोस्टली कोचिंग सेंटर्स में भी कम जगह होते हैं, बट ये करने होते हैं क्योंकि ये थोड़ा सा ही है, ज्यादा मुश्किल नहीं है. अच्छा अब क्वेश्चन बेस्ड ऑन पेडल ट्रायंगल दे रखे है, पेज नंबर 32, पेज नंबर 32. अब एक बारी मैं क्वेश्चन देख रहा हूँ जल्दी से बता रहा हूँ. जी एच के डिनोट्स द साइड्स ऑफ पेडल ट्रायंगल, पेडल ट्रायंगल की साइड है, सही है. अब हमें प्रूफ करना है जी अपॉन ए स्क्वायर प्लस h अपॉन बी स्क्वायर प्लस k अपॉन सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अपॉन टू ए बी सी. गर्व, गर्व यस सर. हाँ गर्व, g की वैल्यू क्या होगी अगर साइड है तो? सर r साइन 2a, r पहले इसी को सॉल्व करते हैं, r साइन 2a को हम ऐसे लिखते हैं 2r sin a cos a. हाँ 2r sin a क्या होता है? यस सर. 2r sin a क्या होता है? a होता है. सर cos a upon a बन गया ये पहली वाली टर्म. दूसरी टर्म क्या बनेगी सर? a cos a सिंपल लेके भी तो कर सकते हैं, तो सिंपल यही आ, वो भी कर सकते हो, वही यही आता. cos a का फॉर्मूला क्या हो गया, b square plus c square minus a square upon 2abc plus cos b का a square plus c square minus b square upon 2abc plus cos c का
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन टू ए बी सी, तीनों को ऐड करते थे आपका रिजल्ट आ जाता ऊपर। बात समझ आ गई? यस सर। ठीक है, अब उसके नेक्स्ट वाला है फाइंड द डिस्टेंस ऑफ ऑर्थो सेंटर फ्रॉम वर्टेक्स ऑफ द ट्राइंगल। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ ऑर्थो सेंटर फ्रॉम वर्टेक्स ऑफ द ट्राइंगल, एक बार देख लेते। देखो बच्चे क्या बोला है, ऑर्थो सेंटर का डिस्टेंस किससे निकालना है, वर्टेक्स ऑफ द ट्राइंगल। ये ओ था हमारा, ये डी था, ये ई था, ये एफ था, ये ए, ये बी और ये सी। हमें निकालना है ओ ए, ओ सी और ओ बी। क्वेश्चन क्लियर है अर्नव? अर्नव यस सर। हाँ अर्नव तुम बताओ, आप ये समझ आ गया क्वेश्चन में क्या पूछा, ओ ए, ओ सी और ओ बी? यस सर। अब मेरे को ये बताओ, अगर ये ट्राइंगल लेते हैं, OC निकालना है, तो ये वाली लेंथ पता है आपको कैसे निकाल सकते हैं? ये लेंथ B है, ये एंगल C है, सही है? 2R sin B। नहीं 2R sin B नहीं, तो DC upon B is equal to cos C, तो ये आया था हमारा B cos C, सही है? ओके okay, सर। अच्छा OC निकालना है अगर हमें, OC ऑर्थो सेंटर का वर्टेक्स से डिस्टेंस, तो DC अपॉन OC, ये वाला एंगल कितना होगा ये बता सकते हैं सर? ये वाला 90 माइनस 2 बी, 90 माइनस बी बोलेंगे ना खाली, इतना एंगल तो ये 90, ये बी 90 माइनस बी। अब DC अपॉन OC इज इक्वल्स टू cos 90 माइनस बी आ गया, यस सर। तो DC DC कितना है, बी cos OC sin B is equals to upon sin B, तो ये हो गया OC। B की वैल्यू क्या होती है, 2R sin B sin cos C और नीचे sin B, तो sin B से sin B कट गया, OC का क्या फॉर्मूला बन गया, 2R cos C। ऐसी अगर मैं बोलता हूँ OA का क्या फॉर्मूला बनेगा, 2R cos A, और ओ ओ ओ बी का सर 2R cos B। ये बात समझ आ गई? यस सर, यस सर। अभी रिज्वाइन करना है कुणाल? यस सर। कुणाल जल्दी से ये वीडियो ग्रुप पे डालना है पहले। ओके सर। ठीक है, और ट्राई करना बस ये सारे जो भी है ये आज सबको होमवर्क कंप्लीट करके भेजना है। यस सर। ठीक है, ये बस इतना ही है, यही रिपीट करना है, बस लेक्चर रिपीट करना है और कुछ नहीं। नेक्स्ट क्लास एक्सेंट्रल ट्राइंगल की पूरी थ्योरी कराई जाएगी। ठीक है, समझ आ गया सबको? यस सर। यस सर। चलो ठीक है, थैंक यू बच्चे। थैंक यू सर।